जो पोजीशन है मेन अंपायर की, उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी हो ही नहीं सकता किसी एक एंगल पर जो सही सही दे पाए कि ये एलबीडब्ल्यू था या नहीं। तो ये कहना होगा कि संदेश हमारा आयोजन समिति को है कि जब आपको दर्शकों की तालियां मिल रही है। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ परिवार से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान एएसकेएल ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से हम लोग जो है गैरसन के क्रीडा मैदान में पहुंचे और यहाँ पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, जो कल से जो है क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो है एक मैच है और आज जो मैच होने वाला दो टीमों के बीच में, मैं उनका इंट्रोडक्शन जो है मैं अभी करा देती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे और मैच का आनंद लीजिए। मेरा नाम दर्शन पवार और हमारी टीम का नाम है गुड फ्रेंड्स क्लब देवागढ़। सर्वप्रथम माँ पाथावार नंदा देवी क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारे क्षेत्र गैरसैंण में जो है इस तरीके से मैच हो रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं और हमारी जो टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, बिल्कुल संतुलित टीम है और जो है निश्चित हम फाइनल के दावेदार हैं। मैं यहाँ पर गैरसैंण में जो नंदा देवी पंथावार जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें सभी, पहले तो सभी कमेटी वालों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहां पर आयोजन किया है, और मैं सभी खेल प्रेमियों का भी धन्यवाद दूंगा कि जो जिन्होंने सभी टीमों का इतना सहयोग किया है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और बात करें हमारी टीम की तो हम लोकल टीम हमारी और सभी एक साथ खेलते हैं, चाहे कोई भी मैच हो, टूर्नामेंट हो, कहीं भी। और जो दूसरी टीम है वो भी अच्छी टीम है, हम साथ खेलते हैं और खेलते आ रहे हैं, तो होप मैच अच्छा होगा। धन्यवाद। गोविंद सिंह और हमारी टीम माइथान और काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं इसमें, ऑलराउंडर से भरी हुई है। और दूसरी टीम है वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया टीम, काफ़ी टूर्नामेंट उठा चुकी है, तो एक अच्छा मैच होने की संभावना है और पूरी कोशिश करेंगे कि जो है हम मैच जीतें। चंदन सिंह रावत, थैंक यू। अखिलेश वर्मा, राकेश अटवाल जी, राजनेगी। सोनू रावत, दीपक में, मिस्टर पार्टी राइडर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए। हरेंद्र बिस्ट, आज हमारा प्री क्वार्टर मैच है चकुटिया 11 के वर्सेस और हम काफ़ी एक्साइटेड है, हमारी वर्ल्ड ड्रेस अभी नई नई आई है और काफ़ी अच्छे यंग प्लेयर हैं और कॉन्फिडेंट है कि शायद हम पूरे जोश के साथ जीत जाए इस मैच को। और बस मैं माँ नंदा देवी क्रिकेट टूर्नामेंट वालों का विशेष आभारी हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। मेरी टीम 11 स्टार चकुटिया 1996 से मैं एज ए कैप्टन के रूम में हूँ और हमारी लगातार टीम 25 वर्षों से परफॉर्म इधर करती आ रही है। कितनी बार मैं यहाँ पे टूर्नामेंट जीता हूँ और अन्य जगह भी मेरे अभी सेमीफाइनल है कल को, तो बहुत जगह मैं टूर्नामेंट में अपने प्रतिभाग करते हैं हम लोग और ऐसी प्रतिभाएं और ऐसे लड़के हमारे यंगस्टर जो हमारे बीच में जुड़ते हैं और काफ़ी लड़के मेरे अभी आर्मी में भर्ती हुए हैं, अभी दो तीन लड़के भी इसमें आर्मी वाले हैं जो अभी अचीव कर चुका है उन्होंने, वो खेल रहे हैं और इसी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका विशेष धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, डॉक्टर आर एस मंडरार मेरा नाम है और उम्मीद है कि आज इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। विपक्षी टीम भी काफ़ी अच्छी है, उनके साथ काफ़ी मैच खेलते रहते हैं, हमारी टीम भी हमारे कप्तान साहब जैसे उन्होंने बताया कि ये सब 52 और 53 ईयर्स ओल्ड और बहुत समय से हम खेल रहे हैं यहाँ पे और इस बार हम बहुत समय से यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे मैच खेलते रहते हैं तो हमको कई बार ऐसा मौका मिलता है कि नहीं खेल पाते हम, लेकिन आज उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैच होगा। थैंक यू। मेरा नाम गौरव कुसाई है, हम अपने कैप्टन गुरुजी गजेंद्र किरौला की अंडर खेल रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये कैप्टन हैं, काफ़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छा मैच हमको खेलने को इनकी अंडर मिलता है और हम कोशिश करेंगे मैच को आज के जीतने की। थैंक यू। मेरा नाम अंकित है, दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक इस मैच के लिए और इतना बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए गैरसैंण कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रूपक बिष्ट है, चकुटिया 11 से काफ़ी साल से खेल रहा हूँ और जो दूसरी टीम है वो भी हमारे साथ के प्लेयर लोग हैं सारे, डेली शाम को प्रैक्टिस में बहुत खेलते हैं, उनकी दूसरी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक मैच के लिए। और सोनू भाई हमारे हैं, उसकर भाई, सारी कमजोरी पता है, देख लेंगे आज मैच में। हेलो, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और 11 स्टार से पिछले 25-30 साल से मैं यहाँ पर खेलने आता हूँ और हम लोग खेल रहे हैं लगातार, कई मैचेज यहाँ पर जीत चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपके साथ हमारे श्रीमान श्याम सिंहराव जी, लक्ष्मण खत्री जी, श्रीमान अहिल अग्रवाल जी और शुक्रिया के साथियों का शुक्रिया।
हमारे बीच में जो आज के इंतकालीन गैरसैन के अध्यापक अध्यक्ष के अध्यक्ष भी हैं और आज के सत्र के आप मुख्य अतिथि हैं श्रीमान दिनेश कौर जी द्वारा, आप जाकर के हम सर एकादश की जो टीम है उसको गुड फ्रेंड्स दिवागार के नाम से रजिस्टर कराया गया है। उस टीम के सभी खिलाड़ियों का आपने परिचय लिया है, साथ ही हमारे बीच में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान शाम सिंह रावत जी भी मौजूद हैं। मेरा नाम विजय बोरा है और मैं चकोटिया भटकोट का रहने वाला हूँ और इस टीम से खेलते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं और थैंक यू। मेरा नाम पंकज है और मैं चकोटिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दर्शन सिंह दिगौर चकोटिया। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं चकोटिया का रहने वाला हूँ। मैं जीवन सिंह चकोटिया का निवासी हूँ। हेमंत बोरा। थैंक यू। आज के मुकाबले में तो पहले टॉस जीता हमने गुड फ्रेंड्स देवाधार ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया हमने। थैंक यू। और ये हमारे जो चीफ गेस्ट अतिथिगण जो है यहाँ पे आ गए हैं और मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। ये यहाँ पे मैच का पूरा हाल बताने के लिए और कमेंटेटर भी आ गए हैं। गुड फ्रेंड्स देवादार की जो है बैटिंग स्टार्ट हो गई है, मैच स्टार्ट हो गया है और वो बैटिंग के लिए जो पहले खिलाड़ी जा रहे हैं वो हरिंद्र बिस्ट जी जो है वो जा रहे हैं फर्स्ट बैटिंग के लिए। आगे बल्ले से कट करने की कोशिश में नाकाम रहे बल्लेबाज जिनके कीपर ने क्लब किया, कोई डर नहीं कोई नुकसान नहीं के नाम से लगाई पहला रन देवाधार के खाते में। खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, ये सुभद्र जनों का खेल है, इसमें भावना संघर्ष की रहती है और ऐसा कहा जाता है कि खेल का महत्व संघर्ष में है न कि जय और पराजय में। गेंद आ नहीं रही है, एक बार फिर महेंद्र लगातार रन बचते पर कुछ गेंद थी इसका फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि पूरा प्रयास किया था हरेंद्र ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 27 रन। बल्लेबाजी ने छोड़ बता की 122 रन को टीम का स्कोर। दर्शन की गेंदबाजी पर एक मौका मिला था क्षेत्र रक्षक को वहां पर, लेकिन भाग्यशाली रही सुरेंद्र की आउट नहीं हुई वरना एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था। 123 एक रन एक विकेट के नुकसान से बचा। कल उनकी तरफ से सूचना होकर प्रसारित हुई थी कि माननीय विधायक द्वारा 40 करोड़ 63 लाख की जो पेयजल योजना है नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो शहर के लिए एक बड़ी अच्छी खबर फहरा थी। एक अंक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया, 3 पर 139 रन 13.9 रन प्रति ओवर के औसत से 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी की है और आगे के 2 ओवर के लिए क्या होता है आइए। जीवन को 3rd ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर और इनिंग का 11th ओवर लेकर आए हैं। 5 ओवर शेष है, 139 रन की स्कोर रहेगा। 8 ओवर रिश्ते गेंदबाजी करने के लिए तैयार और यह गेंद सतह से कैसे खेल रहे हैं
वही जाती है देखा तक। ये गेंद लेकर बाहरी किनारा लीडिंग रन में से गलत गेंद से बाहर सारा मतलब सरकार से सुरेंद्र के 50 रन चले होते हुए 152 रन की उम्मीद से अगर दोनों में से एक भी बल्लेबाज सेंचुरी लगाता है तो मेरे सामने एक हालांकि दोनों अगर सेंचुरी मारते हैं तो दोनों को एक एक जोड़ी दिया जाएगा एक एक नहीं दिया जाएगा। बल्लेबाजों के नुकसान के बाद अकेले स्वर्ण के आंकड़े की लहर उनके घूमे बल्लेबाज को खेलने का मौका मिला है और ये गेंद और ये हवा में है वहां पर गेंद मास्टर अपने ही फल ग्रुप में प्रसिद्ध एक झटका और लगातार विकेटों का पतन भी ये है तो इस तरह से रन और ये गेंद हवा में और ये तो इस तरह से पहले गेंदबाज हुए जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक दूसरे गेंदबाज माफी जिन्होंने हैट्रिक प्राप्त कर ली है सुरेंद्र सिंह गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक प्राप्त की तो टीम का स्कोर 184 पर रखा हुआ है। इस ओवर की 3 गेंद शेष रह गई है जबकि अंतिम ओवर चल रहा है इस पहले यानी कि राइट आर्म ओवर स्टिक गेंदबाजी के लिए तैयार और ये गेंद अच्छी गेंद इसे खेल रहे हैं स्टैंड के क्षेत्र में वहां पर गजेंद्र किरोला जब तक बॉल को फील्ड करें एक रन लेने का मौका इस रन की मदद से टीम का स्कोर 184 रन जाता है। हेलो करो सभी तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार और ये गेंद इसे कट कर दिया है जा रही है बॉल कवर एक्स्ट्रा कवर छोड़ ओवर द स्टिक और ये गेंद स्टंप पर छोड़ वहां पर लेकिन फील्डर फील्ड नहीं कर लाजवाब कराला शॉट जिसे कहा जा सकता है हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद थे। ये गेंद हवा में है फील्डर के नीचे लेकिन थोड़े से दूर रह गए पॉइंट के खिलाड़ी अन्यथा पुष्कर भी वापस जा सकते थे लेकिन ये है बल्लेबाज और ये गेंद अच्छी गेंद उनके ग्लव से जाकर टकराई फिलहाल कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और इन दो टीमों में से जो अपना मुकाबला जीतेगी वो रावत ब्रदर्स महंजोरी के साथ अपना अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल के रूप में खेलेगी। कल सुबह का जो पहला मैच खेला जाना है मैथिली एकादश वर्सेस गुरुसर एकादश के बीच खेला जाना है कल शाम का जो मैच खेला जाएगा दुर्गा देवी ठेकेदार संघ वर्सेस कल एकादश के बीच और ये गेंद से फ्ली कर दिया है कल मैच गोल से बाहर जा रही है बॉल 4 रनों के लिए शानदार चौका सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया शॉट शानदार छक्का डॉक्टर मंगल ये गेंद फिर उसी दिशा में काफी लंबा छक्का फाइनल क्वार्टर से बाहर लगातार दूसरा छक्का टीम का स्कोर जब पहुंचा है 64 रन अगर इसी प्रकार पर लगाए जाए ये कप्तान सोच रहे हैं ओवरों की समाप्ति पर 64 रन हो गए हैं आज टीम में 4 गेंद शेष है और 77 रन आज पूरी तरह से आसमान बादलों से घिरा हुआ है और पहला दिन है जब बरसात की संभावनाएं नजर आती है और खूबसूरत सौ इस समय वहां पर चित्र शक्ति की मौजूद है मात्र एक ही रन पूरा और इसके साथ ही मंगदाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया है जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार अगली गेंद वहां पर हवा में और ये दूसरा झटका मैं खुद पर आई थी जैसे कि बात आप कर रहे थे हर समय सुरेंद्र अगली खेल रहे थे जिससे टॉप पर लग रहे थे हमेशा स्ट्रोक तो कुछ उनको लग रहा है तेज से डिसेप्शन था इस मैदान पर जो कि ठीक से जम और ये अच्छी रणनीति अंपायरों की जब देखा कि एक नेचुरली
मैच में कुछ किया पैदा हो गया, ट्रिक्स भी मैदान पे कर दिया ताकि जब तक नए बल्लेबाज आते ही जो की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 99 रन। और इससे पहले कि 9वें ओवर की पहली गेंद वाली चोट को फेंकी जाए, मेरे साथ डॉक्टर पी एस पवार मौजूद है आगे का आपको देगा हाल आने के लिए। आइए उछाल लेती हुई ये गेंद थी और इसको खेलना जरूर चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का टॉप एज लगा सीधे थर्ड मैन की दिशा में और दीपक थे वहां पर क्षेत्र रक्षक, कोई गलती नहीं की दीपक ने इस कैच को लपकने में और इस तरीके से चौथा झटका लगा 11 स्टार चकुटिया की टीम को। ये गेंद अच्छी गेंद और गेंद फिलहाल ओवर की समाप्ति, तो 12 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 143 रन 18 गेंदें शेष रह गए हैं, मेरे साथी लगभग 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए, तो 18 गेंदें 42 रन जीत के लिए इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है। आप बल्लेबाज को खिलाए मत केवल डॉट कराइए। ये गेंद अच्छी गेंद लगातार अच्छी गेंद, हालांकि अगर रूपक का कैच हो जाता तो मैं छक्का भी नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां तो रह रही है फील्डरों में। और ये गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती, वाइट का सराया है गौरव कौन अब कौन गेंदबाजी के लिए आएगा 12 गेंदें 36 रन जीत के लिए, आगे क्या कुछ होता है मेरे साथी कमेंट करके जान सकते हैं। बची हुई 10 गेंदों में 19 रन जीतने के लिए 1.9 रन लगभग 2 रन प्रति ओवर प्रति गेंद बनाने हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला, लगभग दर्शक अपने पंजों पे खड़े हो गए हैं इस समय, आज के दिन का एकमात्र मुकाबला और ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले का अंतिम मैच। कल से यहां पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले प्रारंभ होंगे, लेकिन इतनी बेहतरीन लीग मैचेस की श्रृंखला समाप्त होगी ऐसी आशा बहुत कम दर्शकों को थी। अभी संख्या में दर्शक 9 गेंदें फेंकी जानी से जीतने के लिए 19 रन, और एक बार फिर से अच्छी गेंद समय डॉट बॉल 8 गेंदें फेंकी जानी से 19 रन जीतने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज आशोस थे और अच्छी रणनीति, ज्यादा कसरत करेंगे तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत कैच समय बाएं हाथ के बल्लेबाज लगातार प्रयास कर रहे थे, दीपक ने इस समय चूक नहीं की और एक कैच जो आसानी से उनके हाथ से चिपका, तो ये 5वां झटका लगा है इस समय 11 स्टार चौकुटिया। और ये अगली गेंद इस समय गेंद के पीछे क्षेत्ररक्षक वहां पर गोल किया है और बहुत ही बेहतरीन कैच 18 ओवर जीतने के लिए। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 173 पर, बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए अब 12 रनों की जरूरत, नो बॉल का इशारा भी था और छक्का लगा, तो इस तरह से रूपक ने ये काम कर दिया है, रूपक का बल्ला चल रहा है। मुझे लग रहा मैं आपसे कह रहा था जगदीश की पिछले ओवर में जो 1 रन लिया रूपक ने वो एक आत्महत्या रन हो सकता है, लेकिन अभी ईश्वर ने उनकी मदद की है। ललित अगली गेंद कोई बोलने के बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, आत्मविश्वास से भरे हुए रूपक ने सबका दिल जीता है विपरीत परिस्थितियों में, अत्यधिक हुई 5 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद और डॉट बॉल बेहतर बॉल इस समय चूके बल्लेबाज रूपक, हर बॉल के साथ एक मिश्रित भाव जनता में, बची हुई 4 गेंदें जीतने के लिए 8 रन, हर एक गेंद पर 2 रन की आवश्यकता, तो देखना होगा इन 4 गेंदों को डॉट रखने में अगर सफल होते हैं, क्योंकि हर
समय यदि किसी जो तनाव लेगा वो हारेगा। तनाव बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पर तनाव है, लेकिन निर्भर करेगा कि किसका मनोविज्ञान ज्यादा मजबूत है। ललित अगली गेंद सबके सहारे बैट बॉल, तीन गेंदों में जीतने के लिए 8 रन, बराबरी के लिए 7 रन, और यदि 7 रन बनते हैं तो सुपर ओवर से मुकाबला तय होगा। क्या बेहतरीन वातावरण सजा हुआ है आसमान में, पूरी तरह से बादल, वही बादल दोनों टीमों के ऊपर भी। यहां पर अब गेंदबाज और बल्लेबाज के ऊपर दोनों के ऊपर तनाव है। साथी बल्लेबाज ने आकर के रूपक को समझाया, कुछ बात की होगी, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है तीन गेंदें फेंकी जानी से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, 7 रन बराबरी के लिए, और गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही दबाव में। फील्ड करते रन वाइड बॉल का इशारा, बहरहाल ये अच्छा निर्णय लिया रूपक ने कि साइड चेंज नहीं की, क्योंकि नहीं बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता स्ट्रोक लगाना। तो इस तरह से अभी भी 7 रन जीतने के लिए और 3 गेंदें फेंकी जानी थी, दोनों ही बल्लेबाजों की बेहतर रणनीति। साथी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एज पर है, साथी बल्लेबाज को समझा सकता है कि क्या एक दो बात रखी है उन्होंने उसके सामने, रूपक को अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। एक आज डॉट बॉल से ही तनाव बढ़ने लगता है। ललित दूर वाले छोर से ये गेंद से और जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता, ये गेम और नॉन स्ट्राइकिंग इस तरह से तनाव के क्षणों में जरूरत नहीं थी। अब अंतिम गेम फेंकी जाने से जीतने के लिए जीतने के लिए रन चाहिए, सुपर ओवर खेला जाएगा और टूर्नामेंट के क्वार्टर। रूपक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और इस समय गलती कर गए, सीधे खिलाड़ी की तरफ उन्होंने गेंद को खेला था, रन देने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले ओवर में उन्होंने एक रन ऐसा लिया जिसकी आवश्यकता, जब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी तो अंत तक एक ओवर और बाकी थी, लेकिन जल्दबाजी में रहे हैं है नए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज तनाव, नए नए बल्लेबाज आए हैं अब तक, सारे आगे चले गए। यहाँ स्क्वायर लेग अंपायर क्योंकि वो सिर्फ 1 रन लेंगे ना, ज्यादा कोशिश करेंगे वहां पे बात हुई कुछ खिलाड़ी 38 सर्किल के अंदर, इस समय 1 रन रोकने के लिए सारे खिलाड़ी नजदीक है और ये जीत लिया है और जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। मुकाबले में